केस में क्या न्याय की जंग राजनीतिक जंग में तब्दील होती जा रही है? जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह का प्रदर्शन सड़क पर देखने को मिल रहा है, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रतिक्रिया के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छात्रों के आक्रोश को, सड़क पर हो रहे प्रदर्शन को बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट करार दे रही है और कह रही है कि अगर बंगाल जलेगा तो असम भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा। इसे भड़काऊ बयान बता रहे हैं विपक्ष के नेता और दूसरी पार्टियों के नेता। वहीं असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने इस पर कड़ा रिएक्शन दिया है। उन रिएक्शन की हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो आवाज उठ रही है कोलकाता केस में इंसाफ को लेकर। इन आवाजों में एक और आवाज शामिल हो गई है, मशहूर गायक अरिजीत सिंह की। अरिजीत सिंह ने अपने YouTube चैनल पर एक गाना रिलीज किया है जिसके बोल हैं आरकोबे लेकिन कब तक। जी हां, इस गाने को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना, संगीत ही कोई भाषा नहीं होती। ठीक वैसे ही अगर आप बांग्ला नहीं समझते तो भी आप इस गाने में छिपे हुए दर्द को महसूस कर पाएंगे। इस गाने को खुद अरिजीत ने ही लिखा है, कंपोज किया है और गाया भी है, अपनी आवाज भी दी है। ये गाना आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस गाने को अरिजीत कह रहे हैं कि ये कोई आंदोलन का गाना नहीं है, ये कार्रवाई का आह्वान वाला गीत है। हालांकि कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं अरिजीत ने बहुत देरी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन उनके समर्थक उन्हें सराहा भी रहे हैं। अब बात आती है कार्रवाई की। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कार्रवाई में जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, आईएमए ने उसकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है जिसमें उसने अपने गुनाह कबूल किया है। उसने कबूल किया है कि वारदात वाली रात उसने शराब पी थी और अपनी गर्लफ्रेंड से गलत पिक्चर्स मांगी थी और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि वो बलात्कार जैसे मामलों में बलात्कारियों के खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट की मांग वाला बिल लाने पर विचार कर रही है और अगर राज्यपाल ने उस संशोधित विधेयक को पास नहीं किया तो राज्यपाल के खिलाफ धरना भी देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर जो आक्रोश हो रहा है उसको लेकर बहुत गंभीर है और चेतावनी दे रही है बीजेपी को कि बीजेपी इस तरह उनके खिलाफ प्रदेश के अंदर साजिश ना रचे। अगर उन्होंने चेताया है कि अगर उनके खिलाफ बंगाल में साजिश की गई तो वो दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को उठा देंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा, असम भी जलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि ये सब कुछ ममता बनर्जी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कर रही है। वहीं आम जनता में कोलकाता केस में इंसाफ की मांग को लेकर जो आक्रोश है वो अब तक बना हुआ है। आक्रोश इतना है कि सड़कों पर प्रदर्शन रुक नहीं रहा, लगातार लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच वापस वो सवाल कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, इसको लेकर जानकार बताते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपने पक्ष में भुना सकती हैं और इसी के मद्देनजर नहीं ये चाहा जाएगा कि वो पश्चिम बंगाल में इस मौके पर जहां पर वो निशाने पर खड़ी हुई हैं इस मौके को भुना ले जाए अपने पक्ष में। आगे क्या कुछ होगा, सियासत है वो तो होती ही रहेगी, लेकिन बात कोलकाता केस में इंसाफ की मांग की तो ये आवाज कल भी उठ रही थी, आज भी उठ रही है और आगे भी लगता है कि उठती ही रहेगी।